हृदय श्रीवास्तव, पढ़ाई करो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी के प्री एग्जाम पर। हम लोगों ने देखा है इस साल जो यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ है वो पिछले कुछ वर्षों में हुए एग्जाम की तुलना में डिफरेंट रहा है। इस बार प्री में फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर कहा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट बेसिस पर रहा है। फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस पर रहा है, जिसमें एक नई चीज देखने को मिली। इस बार एग्रीकल्चर के सेक्शन से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा थी। बात करें अगर सी सेट की तो सी सेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी पिछले सालों की तुलना में डिफरेंट रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो कठिन है। हम अगर बात करें रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ, जनरल मेंटल एबिलिटी और इंटरपर्सनल स्किल की, तो सी सेट में पूछे हुए क्वेश्चन को ये नहीं कहा जाएगा कि वो आसान थे। ये कहा जाएगा कि इस बार जो पेपर आया था उसमें अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि सी सेट क्वालिफाइंग है, हम क्वालिफाइंग कर लेंगे, तो ये गलत है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है तो ये डेफिनेट है कि आप रीजनिंग मैथ में उलझ जाएंगे। और खास बात, रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चंस की शुरुआती इस तरीके से की गई है कि वो डिफरेंट है। अगर हम सी सेट में पूछे हुए क्वेश्चंस को कैटेगराइज करें, कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनिंग से जिसको हम लोग ओनली रीजनिंग कहेंगे, पर्टिकुलर प्योर रीजनिंग से 12 क्वेश्चंस पूछे गए। अगर हम बात करते हैं मैथ से तो मैथ के प्योर क्वेश्चंस 25 पूछे गए। हम अगर बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की तो मैथमेटिकल रीजनिंग में 11 क्वेश्चंस पूछे गए। ये थोड़ा डिफरेंट रहा है। और जैसा कि कॉमन रहता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके क्वेश्चंस 6 आए। अब आप यहां पे देखिए टोटल ये सेक्शन आपके पास आ रहे हैं, तो अब आपके पास 12 और 11 और 6 और 25, और इसके अलावा अब आप अगर यहां पे टोटलिंग करेंगे तो 25, 6, 31, 31 और 12, 31, 10, 41 और 2, 43 और 11, लगभग 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन कवर कर रहा है रीजनिंग और मैथ। अब आप कह सकते हैं कि आपके पास लगभग 26 क्वेश्चन ये आपका आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन से। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, जैसा कि कॉम्प्रिहेंशन है तो कॉम्प्रिहेंशन तो एक ऐसा सेक्शन है कि आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि हमने पूरा कॉम्प्रिहेंशन सही कर लिया, पैराग्राफ हमारे सारे सही हैं। हाँ, अगर रीजनिंग मैथ में आपने प्रैक्टिस कर रखी है, मैथमेटिकल रीजनिंग लगा रखी है, जनरल मेंटल लगा रखा है, तो ये वो सेक्शन है जहां पर जब आप आंसर निकालते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारा आंसर पूरा सही। हम अगर इन सेक्शन को तैयार करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में उलझने का झंझट खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि रीजनिंग मैथ अगर हम ये सेक्शन ही केवल कवर कर लें तो भी हमारे लिए ये बेनिफिट रहता है। तो अब ये आपका एक एनालिसिस था सी सेट का, जिसको आप यहां पे देख रहे हो कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग इनको डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और क्वेश्चन को किस पार्ट से, किस टॉपिक से, कौन कौन से क्वेश्चन की वैरायटी क्या रही है, क्या उसका स्टैंडर्ड रहा है, इसको देखेंगे, समझेंगे विद सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद।